गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंदर सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स विद्या आश्रम पब्लिक स्कूल। टुडे वी विल टेक ऑन चैप्टर नंबर 6, डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ फ्रॉम क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? दैट द फॉर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म द एसेट ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड, लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ and the remaining amount is being distributed to the partners। partnership firm जो है वो ख़त्म हो जाती है, assets बेच दी जाती है, जितनी भी liabilities हैं वो चुका दी जाती है और जो पैसा बचा होता है वो partners को दे दिया जाता है। this is what the dissolution means। now the partnership is deemed to be dissolved in many ways। कई तरीके से पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर एंड एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप। इतने सारे तरीके हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसोल्यूशन के लिए चली जाती है। नाउ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, द मोड्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, dissolution of partnership firm। Now without intervention of the court by the mutual agreement, अगर partners के बीच में अगर ये agreement हो गया है कि we have to dissolve the partnership firm, then the partnership firm is set to be dissolved। तो फिर उसे ख़त्म कर देंगे, एक agreement करेंगे और ख़त्म कर देंगे। compulsory dissolution, a firm is compulsory dissolved in the following cases। When all or one partner of the firm become insolvent, अगर सारे partner अगर insolvent हो जाए या एक partner insolvent हो जाए तो partnership firm dissolved हो जाती है, dissolution के लिए चली जाती है। या the business of the firm becomes unlawful, illegal हो जाए, उसका जो मकसद है वो illegal हो जाए तो partnership को बंदी करना होता है। Happening on an event, on the insolvency of the partner, डेथ ऑफ द पार्टनर, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर अपना ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ये भी एक तरीके हैं कि घटना के घटित होने पर नोटिस देने पर। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड बट एट द विल ऑफ एनी पार्टनर बाय गिविंग द नोटिस द अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म, किसी एक पार्टनर द्वारा नोटिस देने पर ये फर्म डिसॉल्व हो सकती है, कोर्ट द्वारा डिसॉल्व होना। सेक्शन 44, a partner has become unsound mind when the partner other than the partner filling the suit has become permanently incapable of performing his duties, agar wo duties ka nishpadan nahi kar sakta hai, apne kartavya ka nishpadan nahi kar sakta hai, when the partner other than the partners filling the suit are guilty of misconduct that may harm the partnership firm, jo जिसने गलती की है वो गिल्टी हुआ है और उसके कारण पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रॉय हो सकती है या उसको नुकसान हो सकता है, तो पार्टनरशिप फर्म जो है बंद कर दी जाती है। व्हेन पार्टनर अदर पार्टनर फिलिंग सूट वाइल परसिस्टेंटली कमिट्स टू ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किसी ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रीच किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को नुकसान पहुँचाया है, तो इस वजह से भी पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर दिया जाता है। When partner other than the partner filling a suit has transferred the whole interest to the third party, अगर किसी partner ने अपने interest को किसी third party को दे दिया है तो court कह सकती है कि भाई इसको बंद कर दिया जाए। The court is satisfied that the firm cannot be carried on except at loss। अब firm जो है वो continue नहीं हो सकती है, court ये बोलता है तो उसको dissolution के लिए जाना ही होगा। The court satisfied that the dissolution and just equity due to the some other reasons, किसी और कारण से अगर फर्म ये डिसॉल्व करनी पड़े तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है। Distinction between the dissolution of partnership and the partner and dissolution of the firm। Now dissolution of a partnership refers to the change in the agreement between the partner, the firm continues the business, एंड डेजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म मीन्स द क्लोजर ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म समाप्त हो जाएगी। द कंटिन्यूएशन, द फॉर्म कंटिन्यूज द बिजनेस, द फॉर्म डज नॉट कंटिन्यूज द बिजनेस।
इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स कंटिन्यू थ्रू द चेंज इन द फॉर्म. पार्टनरशिप फॉर्म में थोड़ा सा चेंज हो सकता है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बरकरार रह सकते हैं. द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर बिकम्स एन एंड, खत्म कर दिए जाएंगे. बुक्स ऑन अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज्ड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं करने होते हैं. बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड. बुक्स ऑफ अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं. सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड एंड द गेन और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. And the assets are sold and liabilities are paid off. Now the effect dissolution of a partnership does not necessarily mean the dissolution of a firm. Now the dissolution of a firm necessarily mean that the dissolution of partnership also. अगर firm खत्म होगी तो partnership भी खत्म हो जाएगी. और अगर partnership खत्म हुई है तो firm चलती रहेगी. Now settlement of account. First of all, the amount of losses will be transferred to the capital account. Profit में से दिया जाएगा या capital में transfer कर लिया जाएगा. The amount realized from the sale of assets. The amount realized from the sale of assets. Then they shall be applied in the other in this manner. First of all, the outside debts will be paid off. The remaining amount, the loan advanced by the partner will be paid off. फिर लोन्स को चुका देंगे, फिर कैपिटल को चुकाएंगे, और अगर फिर भी अगर बचता है तो डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दे देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे. नाउ द पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स. नाउ द फर्म्स डेट, डेट विच फर्म ओ टू द आउटसाइडर्स आर कॉल्ड फर्म्स डेट. और प्राइवेट डेट्स, डेट्स इन द पर्सनल कैपेसिटीज आर कॉल्ड प्राइवेट डेट्स. नाउ अमाउंट रिलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी पेड फॉर द फर्म डेट्स. फिर अगर सरप्लस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एसेट्स विल बी यूज फॉर द प्राइवेट डेट्स. और जो सरप्लस होगा फिर वो फर्म की डेट्स में यूज होगा. Now what is the difference between the firm's debts and the private debts? Meaning, the firm debts refers to the debts payable by the firm to the outsiders. Outsiders ko denge. The private debts refers to the debts payable by the partners in his personal capacity. Uski personal capacity mein, uske private tarike se wo payment karega apni private property se. Who is liable? Firm debts, the partners are jointly liable. And private debts, only the concerning partner is liable. The firm's property is applied first towards the payment. पहले हम firm की property को बेचेंगे और फिर payment करेंगे firm's debts का. यहाँ हम concerned partner की property को बेचेंगे, फिर हम firm's की debts को देंगे. And then the private, towards the payment of the private debts. The concerned partner share in excess of the firm's property over firm's debt. पहले हम फर्म्स की डेट्स को चुकाएंगे और फिर हम प्राइवेट डेट्स को चुकाएंगे. नाउ द सरप्लस ऑफ द पार्टनर, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर हिज प्राइवेट डेट्स कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स. द सरप्लस ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर द प्राइवेट डेट्स अगर बचता है तो फर्म्स डेट्स को चुकाएंगे. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द प्राइवेट डेट्स देन टू द फर्म डेट्स. तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस.